एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर ऑफिस, एक दोस्त को अपना घर में घर के सामने का पेड़ कटवाना है, क्योंकि पेड़ का डाल टूट कर तार पर लटका हुआ है, जिसका कारण वो एप्लीकेशन देने जा रहा है, तो उसी के लिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं। और ये हम लोग अब जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर ऑफिस, और ये रास्ता है जाने का हॉर्टिकल्चर ऑफिस का। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई घने घनघोर जंगल में आ गए हैं। देखिए कितना मस्त लग रहा है, ये कुर्रू जंगल हुआ करता था एक टाइम का, लेकिन अब ये जंगल तो जंगल ना रहा, फिर भी हल्का फुल्का जंगल है। और बाकी कितना सुंदर रास्ता है, मौसम भी सुहाना है, बारिश का मौसम है। हॉर्टिकल्चर ऑफिस आ गए हैं जो जुबली पार्क के अंदर में है। ये है हॉर्टिकल्चर ऑफिस। जगह बहुत अच्छा है इधर का। और ये हम लोग हॉर्टिकल्चर ऑफिस में, जगह बहुत शानदार है। हाँ पेपर में ऐसा दे सकते हैं ना एप्लीकेशन में, अब ऐसे तो कैसे देगा कि नहीं? हाँ तो और कैसे एप्लीकेशन देगा, ठीक तो है, वाइट पेपर है। जबरदस्त हो गया है, नहीं था हाँ। ये है टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, और ये टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क का लेक है, जिसमें सब क्या करते हैं, बोटिंग करते हैं। और अब हम लोग उधर जो काम था वो काम कर लिए हैं, वो काम करके अब हम लोग घर आ गए हैं। वो अपना घर चला गया, हम अपना घर आ गए हैं। फिर वो बाद में फिर से वहाँ 2 बजे फ़ोन करेगा कि उसका काम कब तक होगा, आज होगा या कल होगा या फिर 1 सप्ताह के बाद होगा, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ का डाल टूट कर तार पर वाह पे लटका हुआ है, अगर टूट कर गिर जाएगा तो करंट फैलने का डर है, और नीचे से अगर कोई आदमी जा रहा होगा तो फिर उसको भी चोट लग सकती है। सब खेल रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग सुबह ही खेल लेते हैं भाई, ताकि शाम को हम लोग मर 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 मर। जोर से शॉट लगाना चाहिए था। शाम का टाइम, पार्क में सब फुटबॉल खेल रहे हैं और हम लोग बैठ के अड्डा मार रहे हैं। यह है लॉकडाउन खुलने का असर है क्या? भाई लोग झगड़ा कर रहा है खेलते खेलते, ये तो सही नहीं है, आपस में खेलते खेलते झगड़ा चालू। Early the next morning. अभी हम आए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी हरियाली है, इधर में एक फार्म है और इधर में कुछ हरे भरे जंगल है। अभी यहाँ पर आए हुए हैं कि वो जो मेरा फ्रेंड है उसको कुछ यहाँ अपना बाड़ा लगाना है, अपना बागान में तार से घेर देना है, ताकि गाय बकरी या कोई दूसरा जानवर सब घुस के उसका बागान को चर ना जाए, खा ना ले, बर्बाद ना कर दें। उसी के लिए अभी एक इसका गांव आए हैं, गांव का नाम पगालडी है, जो दलमा में पड़ता है। और वो जो लड़का जा रहा है वही मेरा फ्रेंड है, उसका नाम मुकेश है, उसी का ये फार्म है। और इस बाइक से हम लोग अभी आए हैं यहाँ पर। बरसात का मौसम है तो काफ़ी यहाँ पर झाड़ झंगार जंगली पेड़ पौधा सब हो गया है,
हालांकि बाकी मौसम में तो काफ़ी नॉर्मल प्लेन सा रहता है, ज़मीन एकदम समतल रहता है। हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में गए थे, वहाँ कंप्लेन देने के लिए, एक एप्लीकेशन देने के लिए कि पेड़ हवा से, उस पेड़ का एक डाली हवा से टूटकर वायर में लटक गया है, उसको हटाने के लिए। लेकिन उसका काम तो अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि वो लोग का कुछ शटडाउन चल रहा है। जैसे कि ये मेरा जो फ्रेंड है, ये बताया था, वो लोग को कॉल किया था, बोले कि अभी कुछ दिन टाइम लगेगा उसको बनने में। तो हम लोग को लगा था कि आज हो जाएगा, लेकिन आज नहीं हुआ, तो हम लोग फिर इधर जो काम है वो करने के लिए आ गए हैं। यही वाला फार्म है, ये सब चिकन्स हैं, चिकन के छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, ये सब अभी और बढ़ेंगे, सब काफ़ी बड़े होंगे, इसके बाद ये सबको मार्केट में भेजा जाएगा। और ये यहाँ के दादू हैं जो यहाँ के देख रेख करते हैं। और इस रूम में बाकी सब सामान वामान जो है रखना है वो सब रखा हुआ है। ये इन्वर्टर है और एक नया जनरेटर लिया है, ताकि यहाँ बिजली का समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए जनरेटर लिया, ताकि कोई चीज़ का प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि पानी अगर मोटर से खींचना है उसके लिए। अब इधर का काम पूरा हो गया तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत देर तक यहाँ रुके थे। अभी थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, इसी बाइक में आए थे और इसी बाइक में जाएंगे फिर से। और ये अब हम लोग निकल पड़े घर के लिए, अब घर जाकर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहें। ये इधर का गांव का नज़ारा है, काफ़ी जंगल है, बाकी सब तो खेती खेत है, उधर पहाड़ है। अब इधर गए थे, वो काम भी पूरा हो गया, उसको अपना आम के पेड़ लगाना था वहाँ पर फार्म में जाकर, तो वो आम का पेड़ भी देकर आ गया अपना, और वहाँ जो भी काम था हम लोग का वो भी काम पूरा हो गया। अब बस एक ही काम उसका बचा रह गया था कि उसको जो अपना पेड़ कटवाना था, जो फंसा हुआ था पेड़ का डाली टूट कर तार पर वो, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ है, वो काम शायद कल तक पूरा हो जाए, तो उसी का इंतज़ार है। वो एप्लीकेशन सब डाला हुआ है, तो वही देखते हैं कल होगा या ना होगा। तो फिर मिलते हैं, अब तक के लिए बस इतना ही, अब कुछ काम भी है, दूसरा कुछ काम है उसको भी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग बाद में, तब तक के लिए बाय।